हेलो गाइस, मैं स्कोतम। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ TCS ऑन परचेज ऑफ व्हीकल एंटी इंटेली ERP 9 में। और गाइस, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा यदि आप कोई व्हीकल परचेज करते हैं तो कितनी अमाउंट पर और कितने परसेंट हमारा TCS एप्लीकेबल है। तो गाइस, इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, यदि आप 10 लाख से ऊपर की अमाउंट का कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं तो उस पर 1% TCS एप्लीकेबल है। तो गाइस, जो मैं एंट्री आपको बताने जा रहा हूँ इसमें हमारा 1% TCS एप्लीकेबल है और साथ में इस पर 15% सेज एप्लीकेबल है और हमारा GST भी एप्लीकेबल है। तो गाइस, जो हमारी परचेज की एंट्री होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है और पार्टी हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेज की यदि हम एंट्री करते हैं तो उसमें परचेज हमारी डेबिट होती है, उस जो पार्टी होती है वो क्रेडिट होती है। तो गाइस, ये तो हमारी सिंपल एंट्री हो गई। यदि हम परचेज की एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी आएगा। अब गाइस, इसमें हमारा सेस भी है, TCS भी है और GST भी एप्लीकेबल है। तो गाइस, हमने जो एंट्री की है वो किस प्रकार की है, कार अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपये। तो गाइस, जो कार की अमाउंट है वो 15 लाख रुपये है। तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो कार जो हमने परचेज की है उसको डेबिट कर दिया 15 लाख रुपये से। और गाइस, इस पर हमारा 28% GST भी एप्लीकेबल है, जो कि हमने लोकल परचेज की है तो इन पर 14% CGST है और 14% SGST है। तो गाइस, इस पर 2,10,000 रुपये CGST हो गया, 2,10,000 रुपये SGST हो गया। और गाइस, अब बात आती है TCS की। तो गाइस, TCS की जब हम पेमेंट करेंगे तो ये इसकी पेमेंट हमने कर दी है तो गाइस ये हमारे लिए करंट एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि वो जब सेस को जमा कर देगा तो ये हमारे 26AS फॉर्म में आ जाएगा और हम इसका इनपुट ले लेंगे। तो गाइस, ये हो गया 15,000 रुपये, 15 लाख रुपये का यदि 1% TCS निकालेंगे। अब गाइस, उसके बाद सेस 15% है तो ये भी हमारा डेबिट होगा 2,50,000 रुपये से, 2,25,000 रुपये सॉरी। तो गाइस, 15 लाख का यदि हम 15% निकालेंगे तो 2,25,000 रुपये आएगा। अब गाइस, जो हम पार्टी को पेमेंट करेंगे वो करेंगे, जो हमने की है शिवा ऑटोमोबाइल को की है, 21,60,000 रुपये हमने पेमेंट की है। तो गाइस, यदि हम कोई 15 लाख की कार परचेज करते हैं तो उस पर हमारा 28% GST देना होगा और इसी के साथ TCS 1% और सेस 15% इस पर एप्लीकेबल होगा। तो गाइस, हमारी जो कार पड़ेगी वो पड़ेगी 21,60,000 रुपये की। अब गाइस, हम TCS जो हमें रिसिप्ट होगा जब हमें इसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट में तो किस प्रकार करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू TCS ऑन कार 1% अकाउंट क्रेडिट। अब गाइस, इसके बाद अब हम इसकी टैली ERP 9 में किस प्रकार एंट्री करेंगे। तो गाइस, इसकी जो एंट्री करेंगे वो करेंगे हम जनरल वाउचर में, क्योंकि परचेज वाउचर में हमारी गुड्स जब हम परचेज करते हैं उसकी एंट्री होती है। तो ये जो कार है हमारे लिए वो है फिक्स्ड एसेट्स। तो गाइस, शिवा ऑटोमोबाइल 21,60,000 रुपये टू बाय कार 15 लाख रुपये इसमें डाल देंगे अमाउंट। अब गाइस, उसके बाद बाय 14% CGST इनपुट CGST 14% इनपुट CGST 14% 2,10,000 रुपये जो कि हमने लोकल परचेज की है ये, तो इसलिए इस पर CGST और SGST एप्लीकेबल है। जब हम यदि लोकल से परचेज करते हैं तो उस पर CGST और SGST एप्लीकेबल होता है। अब गाइस, इनपुट SGST 14% 2,10,000 रुपये तो इस पर 28% हमारा GST एप्लीकेबल है। अब उसके बाद बाय TCS ऑन कार 1% 1%
कितना है, 15 लाख का 1% 15,000 रुपये, तो इसमें हम 15,000 रुपये डाल देंगे बाय। अब सेज है 15% एप्लीकेबल है इस पर, बाय सेज 15% अकाउंट 2,25,000 रुपये, तो 15 लाख का 15% 2,25,000 रुपये। तो गाइस अब हमारा इसमें हमने जो कार है उसको डेबिट कर दिया है, जीएसटी को भी डेबिट किया है साथ में, और टीसीएस भी हमने डेबिट किया है। अब गाइस पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे, तो वैसे हमने ऊपर इसमें क्रेडिट कर दिया है बट इसमें टैली की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए हम नीचे इसको क्रेडिट कर देंगे शिवा ऑटोमोबाइल को। शिवा ऑटोमोबाइल क्रेडिट 21,60,000 रुपये। और गाइस इसमें नेशन डालकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। बट गाइस मैं आपको बता दूं, जो कार अकाउंट है हमारा, जो हम लेज़र बनाएंगे, ये कार हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये जो हमारी कार आएगी ये आएगी फिक्स्ड एसेट्स में। तो मैं आपको इसका लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कार, तो गाइस ये जो अंडर आएगी ये आएगी फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि कार जो हम परचेज करेंगे ये फिक्स्ड एसेट्स है। इनपुट सीजीएसटी 14%, ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा अंडर। अब उसके बाद इनपुट एसजीएसटी 14%, ये भी अंडर आएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के। अब गाइस उसके बाद टीसीएस ऑन कार 1%, ये हमारी लिए करंट एसेट्स है, क्योंकि हम इसका जो ये फॉर्म 26 में जब इसका हम आईटीआर अपनी फाइल करेंगे तो उसमें टीडीएस और टीसीएस का हम इनपुट ले लेते हैं, उसमें टैक्स में से माइनस कर देते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए करंट एसेट्स है। अब गाइस सिवा ऑटोमोबाइल हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, तो गाइस सेस का भी इसमें जो अंडर आएगा वो आ जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। अब इसमें नेशन लिखकर इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब गाइस बात आती है, जब हम जो हमने टीसीएस की पेमेंट की है, अब उसका जब 26 फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी रिसिप्ट की एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, तो क्या रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे, अकाउंट में ओबीसी बैंक आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टीसीएस ऑन कार 1% 15,000 रुपये। तो गाइस इसी प्रकार हम टीसीएस ऑन परचेज ऑफ व्हीकल एंट्री करेंगे जिस प्रकार मैंने आपको बताई है। तो ये जो एंट्री है मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दी है आपको किस प्रकार करनी है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जो हमारी परचेज है वो डेबिट होती है और पार्टी हमारी क्रेडिट होती है। तो गाइस इसके साथ जो जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी भी हमारा डेबिट होगा, और टीसीएस ऑन कार 1%, ये इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि एसेट्स हमारी डेबिट होती है, क्योंकि ये हमारे लिए करंट एसेट्स है। और सेस भी हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा, ये भी हमारा जीएसटी सेस है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको टीसीएस ऑन परचेज ऑफ व्हीकल की एंट्री करनी है। तो गाइस टीसीएस जो एप्लीकेबल होगा, जब यदि आप 10 लाख से ऊपर की अमाउंट का कोई व्हीकल परचेज करते हैं उस पर, तभी टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।